कोरोना वायरस को लेकर महासमुंद में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी अस्पतालों और कर्मचारियों को मरीजों के अंदर ऐसे वायरस के लक्षण की पहचान करने और स्थिति को भांपते हुए इलाज के लिए जुटने की हिदायत दी गई है। साथ ही आम लोगों से भी सर्दी, खांसी या बुखार पाए जाने पर तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की गई है। और ये बहुत तेजी से फैलता है और इसमें मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। संक्रमण को देखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के शासन ने पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट कर दिया है कि ऐसे सस्पेक्टेड केसेस जो भी आए उनको त्वरित गति से निपटा जाए। तो इस तारतम्य में हमने भी अपने पूरे जिले में अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने पत्रिका के माध्यम से और हमारे जितने स्वास्थ्य संभला हैं वहाँ भी हम लोगों ने लेटर जारी कर दिया है और सभी लोगों को सचेत कर दिया है। रेगराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेगराज, कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? जी, कोरोना वायरस को लेकर जो है लोग काफी चिंतित है। आम लोगों की बात करें तो सभी लोग जो है बाहरी खाने पीने की चीजों से परहेज करने लगे हैं और एक दूसरे से संपर्क में आने पर मास्क का भी उपयोग शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वालों पर विशेष सतर्कता जो है बढ़ती जा रही है। लगातार सुर्खियों पर आने के बाद जो है वायरस को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को समझाइश भी दिया है कि छोटी से छोटी गंभीर बीमारियों को तुरंत जाकर के डॉक्टर से परामर्श ले। वही बात करें कोरोना वायरस को तो महासमुंद में भी जो है शासन के निर्देश के बाद जो है स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों और कर्मचारियों को ऐसे वायरस के लक्षण को देखते हुए अलर्ट रहने का पत्र जारी किया है। साथ ही साथ लोगों को वायरस के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार पाए जाने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की है। वही बात करें अगर महासमुंद जिले की शहर की तो 100 बिस्तर वाले जिला हॉस्पिटल में भी कोरोना वायरस की खबर जब से चल रही है तब से हॉस्पिटल में साफ सफाई और समुचित दवाई एवं आवश्यक जरूरी उपयोग के साथ में सेवाओं को अभी सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। रेगज बने रहिए एसपी वारे, सीएमएचओ महासमुंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसपी वारे जी, क्या कुछ तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की इस वायरस से निपटने के लिए? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पूरा वार्ड तैयारी है, आइसोलेशन वार्ड बना दिए हैं और सभी तरफ अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि कोई भी विदेश से आए तो वो हमको जरूर बताएं, उनको होम आइसोलेट करके रखना है जी। और उनसे घबराना नहीं है, सिर्फ उनकी जानकारी ही बचाव है। तो ये हम सब तरफ अलर्ट कर दिए हैं ताकि ऐसे केसेस आए जो ज्यादा दिन से सर्दी खांसी हो रहा है तो ये अपने चिकित्सक को दिखाएं और उसका जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सस्पेक्टेड भी मिला है क्या? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ सस्पेक्टेड केस नहीं मिले हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ तमाम सारी जानकारी को शेयर करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रेखराज जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। रेखराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।